एक नागिन अपने बच्चों को इंसानी रूप देती है और कहती है, बच्चों तुम लोग यहीं पर खेलना, मैं कोई जरूरी काम से जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इधर एक किसान कहता है कि बेटा मैं अपने खेत का काम निपटा कर आता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं पर खेलना। कुछ देर बाद चारों बच्चे एक दूसरे को देखकर खेलने लगते हैं, लेकिन खेलते खेलते नागिन का बच्चा अचानक से एक पत्थर पर गिरकर बेहोश हो जाता है। किसान के बच्चे ये सब देख डरकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर नागिन आ जाती है और अपनी बेटी से पूछती है, किसने किया ये सब? तब बच्ची कहती है, माँ हम किसान के बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतना सुनते ही नागिन गुस्से से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। नागिन उन दोनों बच्चों को जाकर काट देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी किसान वहाँ पर तुरंत दौड़कर आता है और अपने बच्चों की यह हालत देखकर रोने लगता है और फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगता है। नागिन अपने बच्चों के साथ जा ही रही थी कि आसमान से एक आवाज आती है, हे नागिन, अनजाने में हुई गलती की सजा उन बच्चों को मत दो। तब नागिन भोलेनाथ से क्षमा मांगकर किसान के बच्चों के पास जाती है और उनके शरीर से सारा जहर बाहर निकाल देती है, जिससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो महादेव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।